सीधी हम साथ बात करिए सर, एक बड़ा सिग्निफिकेंट प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक एग्जांपल देके आपका, कि पहले आप कोल मिनिस्टर थे, अब आप रिन्यूएबल एनर्जी में, तो मिनिस्ट्री में भी जो रिफॉर्म हो रहा है, क्या मैसेज देने की कोशिश प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, और इस समिट से क्या बेनिफिट होगा? समिट तो बेनिफिट बहुत है, समिट का जो हमने जो रिन्यूएबल का टारगेट रखा है 500, आज के समिट के प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन से और उनके जो हमको मार्गदर्शन सदैव मिलता है उसके कारण मुझे पूरा विश्वास है, जो कमिटमेंट मिला है इन्वेस्टमेंट से लेके इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में, मैन्युफैक्चरिंग में, ऑल पुट टुगेदर वी विल सरपास अवर टारगेट। तो सर, अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, कौन से थोड़ा सा टफ भी है, नया भी है, किस तरह से देश में, जिस तरह से हमने अगर गुजरात की बात करें, गुजरात में सोलार योजना के लिए बहुत सारा एफर्ट लगा, आज सोलार योजना एक जगह पे है, आपके लिए भी नया मंत्रालय है, तो किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी को स्टेप बाय स्टेप देश में और वर्ल्ड के साथ कनेक्ट किया जाएगा? देखिए जी, जब हम 2014 में जब मोदी जी ने सत्ता संभालने का शुरू किया, तब भी ऐसे बोलते थे होने वाला नहीं है, लेकिन मोदी जी जाके वर्ल्ड फोरम पर कमिटमेंट किया, कमिटमेंट के बाद हमने अभी इन एडवांस अहेड ऑफ द टारगेट हमने अचीव किया है, आगे भी अचीव करेंगे, क्योंकि हमारा संकल्प है मोदी जी का मार्गदर्शन। लास्ट क्वेश्चन, 500 गीगावाट तक की जो लक्ष्यांक है वो रखा गया है, किस तरह से इस लक्ष्यांक को फलीभूत किया जाएगा, किस तरह के एफर्ट केंद्र सरकार के आने वाले दिनों में दिखेंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर? नहीं नहीं, ये तो हमने ऑलरेडी आपको बताया है, हमने योजना भी बनाया है, राज्य सरकारों के साथ हम संपर्क में है और राज्य सरकार के साथ सलाह मशवरा सतत कर रहे हैं, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर पे सबके सहयोग के साथ हम इसको अचीव करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर से बात कर रहे हैं, और जो भी रिफॉर्म जरूरत है आगे करते भी रहेंगे। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो जे पण रिफॉर्म नी जरूर अच्छे ते आगरना दिवसोमां थशे, अने रिन्यूएबल एनर्जी पण जे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट छे तेमाना एक प्रोजेक्ट छे, अने तेनुं जे परिणाम छे ते आगरना दिवसोमां देखाशे तेवुं केन्द्रीय प्रधान प्रहलाद जोशी कही रह्या छे। कैमरामैन नमसाथी किंजन मिश्रा, टीवी 9, गांधीनगर।